पर आप भी मेरी तरह वीडियो क्रिएटर हैं, यूट्यूब पर आप काम करते हैं, तो इस पर आप वीडियोस तो बनाते ही हैं। वो वीडियो क्या होता है, आप ही फोन की गैलरी में रहते हैं, कई बार हम उसका बैकअप भी लेते हैं, उसमें भी क्या होता है पेन ड्राइव हमें मेंटेन करना पड़ता था, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क भी समय समय पर भर जाता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर आप दो दिन में एक वीडियो भी बनाएंगे तो हमारे पास वीडियोज की बहुत बड़ी लिस्ट बन जाती है। अगर आप उसी वीडियो को किसी अदर प्लेटफॉर्म पर डालते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपको अलग से बैकअप रखने की जरूरत नहीं होती। आजकल भी डिजिटल लाइफ में नथिंग इज स्टेबल, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, भगवान ना करे कभी किसी भाई का चैनल हैक हो जाए तो उसमें क्या होगा, आपके पास एक बैकअप होगा, डाउनलोड कर सकते हैं उन वीडियोज को, या आपके एक फेस वैल्यू एक प्लेटफॉर्म पे बनी है, दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी अगर आपकी फेस वैल्यू बन जाती है तो इससे ऑडियंस की रीच काफी बढ़ जाती है। ऑटो प्ले एक भारतीय यूट्यूब आप इसको कह सकते हैं, इस पर आपको क्राइटेरिया भी थोड़ा कम हो जाता है, जैसे यहाँ पर यूट्यूब में हमें 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, यहाँ पर ऑटो प्ले में आपको 1000 सब्सक्राइबर की जरूरत नहीं है, केवल आपके पास 200 फॉलोअर्स होने चाहिए और आपने 10 वीडियो आपके उस चैनल पर डले हुए होने चाहिए, तो आपका चैनल आसानी से मोनेटाइज हो जाएगा और आप उससे एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल से करेंगे तो आपको मोबाइल ऐप की जरूरत पड़ेगी, मोबाइल की स्क्रीन पर आ गए हैं, मोबाइल की स्क्रीन पर आने के बाद हमें गूगल प्ले स्टोर पर आ जाना है, गूगल प्ले स्टोर पर हमें टाइप करना है, ऐप शो होता है, हमें इसको इंस्टॉल कर लेना है। इस तरीके से हम आपके इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड कर, होने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, ये आपसे कुछ परमिशन मांगेगा जो सामान्यतः सभी ऐप मांगते हैं, आपको वो सारी परमिशन इसको अलाउ कर देनी है। ये आ गया ऐप की बात। इस ऐप का इस्तेमाल आप तीन तरीके से कर सकते हैं। नंबर एक, आप अपने मोबाइल का नंबर जो है उसके थ्रू इसमें लॉग इन हो सकते हैं। उसमें क्या है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उससे आप पासवर्ड जनरेट करके भी इसमें लॉग इन हो सकते हैं। नंबर टू, ईमेल आईडी अथवा पासवर्ड, आपके पास ईमेल आईडी या पासवर्ड बना करके इसमें लॉग इन हो सकते हैं। नंबर तीन, आप अपने मोबाइल पे जिस आईडी से गूगल चलाते हैं पर आपको बार बार पासवर्ड याद करने का झंझट पड़ा है तो आप गूगल वाले अकाउंट से ही इसको लॉग इन कर लेंगे। लॉग इन करने के बाद इसका एक सामान्य इंटरफेस इस तरह से दिखाई देता है, जैसे हम यूट्यूब को पहली बार चलाते हैं तो इसी तरह से आता है, तो इसमें इस तरह का इंटरफेस आता है। इसके ऊपर की तरफ आपको अलग अलग कैटेगरी चूज करनी है, जैसे इंटरटेनमेंट है, गेमिंग का है, एजुकेशन का है, म्यूजिक का है, जिस भी तरह का आप वीडियोस देखना चाहते हैं उसे डाल रखा, जैसा कि आप देखते हैं इस तरह से। ये मेरा द्वारा डाले गए वीडियो है, मिथिलेश के नाम से मेरा चैनल है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर आपका चैनल का नेम आ जाता है, ये इसका अबाउट सेक्शन है, यहाँ से प्लेलिस्ट है, यहाँ से इसकी जैसे यूट्यूब में होता है सेम टू सेम, बट मैंने बैकग्राउंड में अपनी कोई फोटो लगाई नहीं है। यहाँ से आपके द्वारा अपलोड किए हुए वीडियो आते हैं, ज्यादा काम नहीं किया है, यहाँ से आपके द्वारा नोटिफिकेशन आते हैं किस किस ने आपको कहाँ कहाँ पर फॉलो किया है, यहाँ से आपके फॉलो किए गए नोटिफिकेशन आ जाता है। बादल और उसके ऊपर वाला एरो, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जैसे आप यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते थे ये आपका जो अपलोड करते हैं तो इसमें लिखा आता शॉर्ट वीडियो लेस देन 60 सेकंड विल नॉट बी, ये शॉर्ट वीडियो के लिए नहीं है। जैसे यूट्यूब पे पहले बड़े वीडियो बनते थे, इस पर आप एक मिनट से ज़्यादा की अवधि का कोई वीडियो डाल सकते हैं। यहाँ से हमें गैलरी पे जाने की परमिशन मांगेगा, उसको हमें यहाँ से अलाउ कर देना है। यहाँ से हम अलग अलग फोल्डर पे आए थे, जो भी आपका वीडियो यहाँ से आप टच कर लेंगे, इस तरीके ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है, जो भी हम थंबनेल हम लगाना चाहते हैं ऑलमोस्ट ये थंबनेल बना बना इसमें आता है। यहाँ से वीडियो का टाइटल है, यहाँ से डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन आप चाहें नोट पैड पर रखकर कॉपी भी कर सकते हैं। बैक बटन के आपके ठीक ऊपर ही
चार जिसको आता है रेक्टेंगुलर बने हुए आएंगे, चार डब्बे बने हुए आते हैं। क्रिएट चैनल पे चले जाना, यहाँ से आपको चैनल पे आप क्या सूचना देना चाहते हैं वो आप यहाँ से चैनल के बारे में जानकारी यहाँ से देंगे इस तरीके से। अब यहाँ से हमें चैनल की कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है, आपका किस तरह का एंटरटेनमेंट का है। यहाँ से अलग अलग गेमिंग आ जाता है, एजुकेशन आ जाता है, अगर ब्लॉक का है तो आप ब्लॉक कर देंगे, या ट्रेवल पे होता होगा वो आप देखना कहाँ से होता है। फिलहाल मैं ट्रेवल को सेलेक्ट कर ले हूँ। अब क्रिएट न्यू चैनल पे आ जाते हैं हम, यहाँ पर हमारा चैनल इसको प्रेस कर देंगे तो हमारा क्रिएट न्यू चैनल पे हम यहाँ पर टच कर लेते हैं। चैनल क्रिएटेड सक्सेसफुली, मेरा इस नाम से चैनल अलग से एक चैनल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। माई चैनल, यहाँ से हमारे चैनल आ जाते हैं। ये मिथिलेश ब्लॉग नैनीताल मैंने अभी बना रखा है, ये चैनल मेरा बन चुका है। आपको अपने चैनल के आइकन पर फोटो लगाने के लिए चैनल पे आ जाना है। चैनल के राइट हैंड साइड में 3 डॉट्स पर टच करना है, राइट हैंड साइड में 3 डॉट्स पर आप जब आप 3 डॉट्स पर टच करते हैं आपके सामने नीचे एकदम दो ऑप्शन आते हैं, एडिट और डिलीट। आपको एडिट वाला चूज करना है। एडिट वाला चूज करने के बाद आपको जो भी इस पर एडिटिंग करनी है, अपडेट चैनल पर जाएंगे, यहाँ पर सेलेक्ट चैनल इमेज पर टच कर देंगे। यहाँ पर आपको फिंगर टच करना है। आप चाहे कैमरे से फ़ोटो ले सकते हैं अथवा गैलरी से ले सकते हैं, अगर आपके पास कोई डाउनलोड की हुई फ़ोटो है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ से आपको फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है। फ़ोटो पर फिंगर टच करने के बाद मोबाइल के आप एकदम ऊपर आएंगे तो आपको सेलेक्ट वाला ऑप्शन है, सेलेक्ट वाला ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ से हमने फ़ोटो सेलेक्ट कर ली है और ये इस पर हम अपडेट चैनल पर चले गए हैं। ये इस तरह से अपडेट हो जाता है, हमें ओके पे प्रेस कर लेना है। इस तरह से हमारा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस तरह से इसमें लोगो आ चुका है। इफ यू आर वॉचिंग टू मी फर्स्ट टाइम देन सब्सक्राइब टू मी, वॉच एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। यू मे प्रेस बेल आइकन फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन अबाउट माई अपकमिंग वीडियो। थैंक्स फॉर स्टे टैलेंट।